वेलकम टू किचन विद आफिया। क्या हाल है आप सबके? मैं भी हैरियत से हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ कपकेक। और कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन किया और अब इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच के करीब मैंने बटर ऐड करना है इसके अंदर। और बटर ऐड करके मैंने 2 गाजरें ली हैं, उसको मैंने क्रश किया। इस तरह से मैंने उसको क्रश किया और अब इसमें मैं गाजरें ऐड करने लगी। अब हम इसमें तकरीबन 10 चम्मच के करीब शुगर ऐड करेंगे। ताकि हमने 10 चम्मच शुगर की ऐड करनी है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चम्मच हमने शुगर की ऐड की है और अब इसको हम मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे और पानी हमने फिक्स करना है और इसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच दही की ऐड करनी है। इसमें 1 चम्मच हमने भर के पहले करना है और 1 चम्मच बाद में करना है। इसका जिसके साथ हमने करना है पकाकर हमने दोबारा से फिर 1 चम्मच फिर ऐड करनी है। जिसमें हम फिर 1 चम्मच और ऐड करेंगे।
हमने इसको 5 मिनट और पकाना है, उसके बाद हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। पानी की चेक करते हैं, देखो हाँ जी, अब इसका पानी की चेक हो गया। अब इसमें हम कोकोनट ऐड करेंगे, जैसे इस तरह के हम 10 चमचे ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको मिक्स करना। अब फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है, बस हमने इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगे कोकोनट कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके हम फ्लेम ऑफ करने लगे हैं। हाँ जी, अब ये हमारा तैयार हो गया है। ये अब हमने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया और अब ये ठंडा, हमने ठंडा होने के लिए 5 मिनट रखा था। और अब हमने ना एक हाथ पे ऑयल लगाया, ऑयल लगा के अब इसके हमने इस तरह से बॉल बनाने हैं। इसके बाल बनाते जाने हैं और हमने इस तरह बाल बना के रखते जाना है। इस तरह से हमने सारे बॉल बना लेने हैं और मैं बना के आपको सारे जी। अब हमारी ये तैयार है बेकरी और अब हमने इसको ऐसे उठाना है, उठाते जाना है और ऐसे हमने इसको कोकोनट लगाना है। कोकोनट लगा के हमने इस तरह से रखते जाना है। सामने के प्लेट
तैयार कर करके एक प्लेट में रखते जाना है। जी अब ये तो मैं आपको बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। हाँ जी अब ये तैयार है केक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और दुआओं में याद रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।